जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं डायनामैक्स और आज काफ़ी अरसे के बाद भाई लोग मैं फिर से लेके आया हूं एक ट्रेनर कैनियन की वीडियो। सॉरी यार, काफ़ी टाइम से वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि कुछ चीज़ों में उलझा हुआ था, कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था, बट फाइनली एक नई बैटल की वीडियो आ चुकी है। लेकिन भाई ये बैटल्स थोड़ी पुरानी है, मेरी जो लेटेस्ट टीम है वो इसमें मैंने शो नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसकी वीडियो कुछ टाइम बाद आएगी। मैं कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स देख रहा हूँ, कुछ तरीके निकाल रहा हूँ यार कि कैसे हम ये स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को निपटाएं, कैसे मेगा इवॉल्व्ड रेड कलर वाले जो जिनका पीछे रेड बैकग्राउंड होता है उनको कैसे निपटाएं यार। मतलब वहां तक पहुंचने में या तो भाई आप लोगों को ढेर सारा पैसा लगाना पड़ेगा गेम में, या फिर कुछ ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि उनको निपटा पाए। अगर आपको कोई तरीका ऐसा पता हो या कोई ऐसा पोकेमोन पता हो कि जो लो लेवल पे भी एक एवरेज सिर्फ नॉर्मल मेगा इवॉल्व होने के बाद ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स को निपटा दे जिनकी पावर 30-40 हज़ार तक जाती है, तो यार कमेंट में मेंशन करना, कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। क्योंकि फ़िलहाल तो हमारी टीम में एक ही ऐसा दमदार पोकेमोन था, सॉरी शायद दो थे, हाँ एक तो हमारा मेगा लुगिया था जिसको हमने डबल टीम दे दी थी, काफ़ी तगड़ा गेम खेल रहा था वो और काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि उसको टॉक्सिक भी दे दूँ, बट अगर उसको टॉक्सिक दे दूंगा तो मुझे एयर स्लैश हटाना पड़ेगा यार, जो कि थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एक अटैकिंग मूव तो होना चाहिए यार, समझो सामने स्टील टाइप पोकेमोन आ गया तो फिर, या सामने कोई दूसरा शेडिंजा ही आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसके अलावा और क्या, दूसरा जो पोकेमोन था वो हमारा शेडिंजा ही था यार। जब ओपोनेंट के पास कोई ऐसा मूव नहीं है जिससे उसे खतरा है तो भाई शेडिंजा तो खतरनाक बैंड बजा देता है यार, काफ़ी ज़्यादा भयानक। या तो टॉक्सिक करके निपटा देता है अपोनेंट को जैसे कि आपने देखा ही होगा, या फिर स्वैगर यूज़ करके भाई कन्फ्यूज़ करके उसका अटैक मैक्स कर दिया, उसे कन्फ्यूज़ कर दिया मैक्स अटैक में, खुद को ही पहले जा रहा है धना धन धना धन। और ये ट्रिक यूज करके हमने ना जाने कितनी बार भाई डीएल का, मेगा डीएल का और उसी के खानदान के कुछ बच्चों को निपटाया है। तो भाई काफ़ी सही बैटल चली लास्ट वाली और जीत गए थे हम लोग। और ये दूसरी बैटल यहाँ पे भाई म्यूटू ऑरेंज प्लस 4 अलग ही तबाही मचा रहा है, बैक टू बैक मेरे ड्रैगनाइट और रेजिगिगास को निपटा दिया। तो चलो अब देखते हैं शेडिंजा इसके सामने टिक पाता है या नहीं। और भाई शेडिंजा को नहीं निपटा पाएगा ये, बहुत बढ़िया शेडिंजा। तो जो कि मैं कुछ देर पहले बात बता रहा था उसी का एग्जांपल यहाँ आ चुका है। और अब भाई साहब ने स्विच कर लिया रायकू पे, उसे भी हमने टॉक्सिक कर दिया है, मुझे पता था भाई स्विच करेगा ही करेगा ये। अब हमने बुला लिया रायपीरियर को और भाई रायपीरियर भले ही यार इतना ज़्यादा पावर अप नहीं है बट फिर भी इसका डिफेंस भाई लाजवाब यार, आप लोग देख ही रहे हो। ऑरेंज रायकू का क्रंच झेल लिया और अब डिग देखते हैं झेल पाता है या नहीं, अगर झेल लिया तो भाई काफ़ी बढ़िया रहेगा। डिग भी झेल लिया बहुत तगड़े और ये एक अर्थक्वेक में निपटा दिया यार रायकू को, काफ़ी उमदा दर्जे का पोकेमोन यार, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बस मेगा इवॉल्व नहीं होता बट इसे रूइंस दे दो आप और मैक्स पावर अप कर दो तो भाई तबाही मचा देगा यार ये पोकेमोन। और ये गॉड आ चुका है हमारे दूसरे गॉड के सामने, चलो भाई इसको भी टॉक्सिक से ही निपटा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको निपटाने में, बस दो चार टर्न्स और ये निपट जाएगा। ओ भाई गिव अप कर दिया लौंडे ने, क्या बात। और यहाँ भाई डीएलगा की बात कर रहे थे और डीएलगा ही आ गया सामने। अच्छा आप लोगों में से किसी ने ब्रिलियंट डायमंड शाइनिंग पर्ल खेला है क्या? यार खेला हो तो बताओ यार कैसे खेलेंगे यार, क्योंकि निंटेंडो स्विच तो काफ़ी महंगा आता है उससे, कैसे खेल पाएंगे यार पीसी वगैरह में, कोई तरीका कुछ तरकीब कुछ तो बता दो यार। अगर आप लोगों को पता चले तो भाई इंस्टाग्राम पर बताना, ये नहीं कि कमेंट पर बताना चालू कर दो, कमेंट वगैरह यार इतना नहीं देख पाता मैं। अगर इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करोगे तो मैं ज़रूर बात करूँगा गेम में या
कमेंट्स में भी आप लोग बता दो तो चलो कमेंट्स में भी मैं बात कर लूँगा, बट गेम में मैसेजेस मत करना यार। क्या गेम में मैसेजेस रीड नहीं कर पाता, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं एक के बाद एक गेम में, तो वैसे गेम खेलने का टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे आजकल, कुछ चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ सा हूँ मैं। और भाई यहाँ पे डबल टीम यूज़ कर ली है हमने और फुल तैयारी में है विल्डविंड यूज़ करने के। विल्डविंड तो नहीं दिया है हमने इसमें लुगिया को, इस टाइम साइकिक ही है लुगिया के पास। भाई सोचो यार, साइकिक टीएम हटा के मैंने विल्डविंड दिया लुगिया को, मतलब कुछ लोग तो गालियां देते थे मुझे यार, भाई साइकिक क्यों हटाया यार, इतना ओपी मूव है यार। लेकिन जिस सिचुएशन में हम लोग गेम खेलते हैं, आई मीन हमारी टीम उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यार जितने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स आते हैं। आई मीन तीन तीन चार चार साल एक्सपीरियंस प्लेयर हैं या जिनके पापा का बैंक अकाउंट में पैसा धनाधन भरा हुआ, जो खर्चे पर खर्चा करते जा रहे हैं, उनका एक बार आप अकाउंट देख लो भाई तो भरा जाओगे। सब कुछ मैक्स करके रखा है भाई, सब कुछ मैक्स करके रखा है। अटैक जा रहा है 8000, एचपी जा रही 8-10 हज़ार, डिफेंस जा रहा 8000, आइटम दे रखे लेफ्ट ओवर्स, कितना ही मार लो भाई साला हील हो जाते हैं। इसलिए भाई विल्डविंड काफ़ी सही काम कर देता है, अब पोकेमोन को स्विच कर देता है, और अगर स्पाइक्स और सेल्थ्रॉप डाले हों तभी विल्डविंड काम करता है। आई मीन ये स्ट्रैटेजी काम करती है, विल्डविंड तो वैसे भी काम कर जाएगा, अपोनेंट को स्विच कर देगा उसके बाद के पोकेमोन से, और वो जैसे ही एंटर होगा वैसे ही सेल्थ्रॉप और स्पाइक से डैमेज ले लेगा। बस इस गेम में एक दिक्कत लगी यार, टॉक्सिक स्पाइक साला किसी काम का नहीं है। मैंने बहुत बार यूज़ करके ट्राई कर लिया, टॉक्सिक स्पाइक आप कितनी बार भी फेंक दो, नया जो पोकेमोन आता है वो कभी भी साला पॉइजन होता ही नहीं है, तो टॉक्सिक स्पाइक मूव देना ही बेकार है। स्टेल्थ्रोक दो, स्पाइक्स दो, बेहतरीन काम होगा आपका। और हाँ, फॉरेट्रेस लो तो लो एचपी वाला लेना यार, अंडर 300 वाला, और उसे एक गोल्डन बेरी दे देना ताकि जैसे ही कोई उसे एक बार अटैक करे स्टडी एबिलिटी वैसे वो एक एचपी पे रुके, और उसके बाद 300 फिर से हील करके मैक्स हेल्थ पे हो जाए, मतलब दो तीन बार आप उसे यूज़ कर सकते हो। और भाई पिछली बैटल भी हम लोग जीत चुके हैं, काफ़ी सही रहा यार, काफ़ी सही, टीम अपनी काफ़ी तगड़ी है यार कुछ भी कहो। और भाई एक बात तो बताना भूल ही गया यार, हमारा ड्रैगनाइट, आई मीन हमने हमारे पुराने ड्रैगनाइट को स्विच करके शाइनी ड्रैगनाइट ले लिया, भाई तबाही मचा रहा है यार लौंडा, तबाही मचा रहा है। उसके साथ काफ़ी सारी बैटल्स करी, अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स को निपटा देता है यार। बस एक दिक्कत है, अपोनेंट को आइस टाइप मूव नहीं आना चाहिए, अगर अपोनेंट को आइस टाइप मूव आता है तो भाई ढेर कर देता है यार वो। सेम काफ़ी बैटल्स मैंने खेली रिसेंट में जिनमें अपोनेंट रिक्वेजा, मेगा रिक्वेजा लेके आ जाता है, बट भाई हमारा रजिगी गाज एक आइस पंच में निपटा देता है यार, एक आइस पंच में। तो भाई ये आइस टाइप मूव्स ना काफ़ी ज़्यादा भयानक है ड्रैगन फ्लाइंग टाइप के लिए, 4 times वीक है यार। और देखा जाए तो लगभग सभी ड्रैगन टाइप्स इसी कैटेगरी में आते हैं। और भाई ये लो नाम लिया और मेगा रिक्वेजा हाजिर, फिलहाल ड्रैगनाइट उस कंडीशन में नहीं है कि उससे लड़ पाए और बैटल कर पाए। और भाई इसने ड्रैगन डांस यूज़ भी कर लिया है, 5000 HP है भाई इसकी, कैसे निपटाएंगे यार सोचो ज़रा। हाल ही में मैंने एक गेम खेला जिसमें मुझे गलती से ही सही बट शाइनी रिक्वेजा मिल गया एज अ स्टार्टर, और मैं शाइनी रिक्वेजा से ही उस गेम को एंड किया। बट उस गेम में भाई सबसे बड़ी एक दिक्कत लगी मुझे, मतलब उस जर्नी में सिर्फ एक दिक्कत लगी कि भाई रिक्वेजा भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग अटैकर हो बट उसके डिफेंसेस काफ़ी ज़्यादा कम है यार। आप लोगों ने देखा होगा जैसे मैंने पहले लुगिया के साथ हर्ट गोल्ड गेम कंप्लीट किया था, अगर नहीं देखा हो तो भाई जाके देखो यार, और शेयर ज़रूर करना क्योंकि वो सीरीज़ काफ़ी ओपी बनाई है मैंने। सिर्फ लुगिया के साथ पूरी जर्नी कंप्लीट की है और सारे मेजर पॉइंट्स को मैंने उस वीडियो में दिखाया कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किससे लड़े, कैसे किसको हराया और कैसे बना मैं लुगिया के साथ चैम्पियन। और रिसेंट जो वीडियो आएगी कुछ टाइम में उसमें हमने सेम किया है, बट इस बार पोकेमोन ने मेगा रिक्वेजा, और हमने टाइम कैलकुलेट किया है कि लुगिया से ज़्यादा जल्दी हमने कंप्लीट कर पाए थे गेम या फिर शाइनी रिक्वेजा से। तो भाई शाइनी रिक्वेजा के साथ दिक्कत बस एक आती थी, या तो अपोनेंट कोई आइस टाइप मूव यूज़ कर देता था तो वो उसका खेल ख़त्म, या किसी ने कोई सुपर इफेक्टिव मूव यूज़ कर दिया कोई सा भी तो उसका खेल ख़त्म यार। क्यों
क्योंकि डिफेंसेस बहुत ज़्यादा लो हैं यार उसके, बहुत ज़्यादा लो हैं। एक से दो अटैक तो साला झेल ही नहीं पाता वो, ऊपर से उसे रिकवर वगैरह कोई ऐसा हीलिंग मूव भी नहीं आता था। लुगिया के पास तो रिकवर था भाई स्टार्टिंग से, तो काफ़ी ईजी हो गया था उसके साथ गेम कम्प्लीट करना। बट रिक्वेजा नहीं नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था यार। यार ये निपटा क्यों नहीं रहा यार? अच्छा क्रंच नहीं आता यार इसे शायद, या फिर इसने आउटरेज यूज़ कर दिया था पहले, तो हमने शेडिंजा को बोला दिया। और भाई अगर एक बार आपने आउटरेज यूज़ कर दिया तो दो से तीन टर्न्स आपका पोकेमॉन आउटरेज यूज़ करता रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट कन्फ्यूज़ हो जाएगा और कन्फ्यूजन में खुद को भी हिट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ड्रैगन डांस यूज़ कर लिया, काफ़ी कम हेल्थ, और यहाँ अब रेजिगा से एक हिट में निपटा देगा। देख रहे हो कन्फ्यूजन में खुद को ही मार लिया, खुद का अटैक बढ़ाया, खुद का अटैक बढ़ा के खुद को ही बड़ा डैमेज दे दिया। क्या बेवकूफ़ी है पोकेमॉन्स। चल भाई अभी एक नॉक ऑफ में म्यूटू भी निपटा। अब देखो भाई अगला पोकेमॉन कौन है इनका, कौन है भाई कौन है? रेजिगिगास यार, ये तो एक हिट में निपटेगा यार, एक से दो हिट में निपट जाएगा। ड्रेन पंच यूज करेंगे, थोड़ा हम भी हील हो लेंगे यार। चलो फाइनली मैक्स हेल्थ पे पहुंच चुके हैं भाई। इस गेम में रेजिगिगास को बहुत ज़्यादा ओपी बना दिया गया है, क्योंकि रेजिगिगास की एबिलिटी जो थी वो थी स्लो स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग की पांच टर्न्स के लिए उसकी शायद स्पीड और अटैक शायद दोनों ही चीज़ें कम हो जाती हैं, और पाँच टर्न्स बाद वो जो ओरिजिनल उसका स्पीड और अटैक है उसे वो वापस मिल जाता है। तो भाई इसी के साथ ये बैटल भी हम जीत चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली बार, कमेंट्स में बताओ कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आपको।